Hi guys, I am Simba and you are watching Starscope. Ganesh Acharya ka aa raha hai new gana Khalli Balli. Khalli Balli ek film hai, usi ka title song aa raha hai Khalli Balli aur ye hai Kainaat Arora ke saath. Kainaat Arora is gaane mein bahut hi zyada sundar lag rahi hain. Ganesh Acharya ne is gaane mein diya hai apne aap hi special appearance. अपने गाने को कोरियोग्राफ करके अपने गाने में खुद ही डांस किया है इन्होंने, एक स्पेशल अपीयरेंस दिया है. जैसे बादशाह अपना गाना गाते हैं तो वो रैप करने भी ऑन स्क्रीन आ जाते हैं, तो वैसे ही गणेश आचार्य ने भी किया है खली बली के टाइम पे. और गणेश आचार्य बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस गाने के लिए और उन्होंने बोला है कि लोगों को ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है. सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू खली बली एंड लेट्स वॉच द क्लिप्स ऑफ गणेश आचार्य मूविंग हिज लेग ऑन खली बली. All right.
अच्छा ऑल राइट, फिल्म की जो है शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग, आपके तो सारे गाने बहुत ही एनर्जेटिक होते थे, ये हमने देखा एंड आप काफ़ी डिफरेंट अंदाज में अपने अंदाज में गाना शूट करते, तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद ब्यूटीफुल कानत अरोरा? ऑफकोर्स हम लोगों ने ग्रैंड मस्ती साथ में की थी और बहुत कमाल काम किया था इंदू जी के साथ, तब हम लोगों ने बातचीत की थी, मैंने कहा कि हम एक गाना करेंगे बहुत जबरदस्त, और ये मौका और मौका मिला है। मनोज शर्मा मेरे पास आए जो मेरे कम से कम 30 साल पुराने दोस्त थे, वो असिस्टेंट भी थे और एडिटर भी थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, तो हिमांशु मेरे पास उनको लेके आया और कहा कि मास्टर जी गाना करना है, और गाना सुना है खल्ली बल्ली, तो मुझे पद्मावती खल्ली बल्ली याद है, मैं डेफिनेटली करूँगा, फिर कायनात का नाम लिया बोला तो पक्का ही करूँगा, क्योंकि एक बातचीत हुई थी और पूरी कोशिश की कि बेस्ट करूँ। कमल जी ने बहुत प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़बरदस्त दी हुई, इतने सारे डांसर्स और खर्चा और सब कुछ है, तो आई एम ट्राइंग टू माई डू बेस्ट दिस सॉन्ग। कायनात जी कैसा एक्सपीरियंस होता है, हालांकि आपने बताया कि लंबे टाइम के बाद, लंबे अरसे के बाद डेफिनेटली ग्रैंड मस्ती में हमने काम किया था एंड टाइटल सॉन्ग मैंने सर के साथ किया था, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, क्योंकि उस गाने की वजह से मैंने बहुत शोज किए थे एंड समवेयर ही इज़ वेरी लकी फॉर मी एंड ही इज़ बिन लकी फॉर मेनी पीपल इन फैक्ट। सो टुडे वी आर शूटिंग द टाइटल ट्रैक ऑफ खली बली फिल्म विच इज़ अ हॉरर कॉमेडी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत ही पेपी नंबर है, बहुत ही कैची नंबर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि डांसिंग नंबर भी है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग आई वुड लाइक टू वॉच लाइक ऑन स्क्रीन एंड ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। होप आई एम होपिंग दैट यू ऑल ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ लव एंड गो टू द थिएटर्स एंड गिव खली बली द लव विच वी रियली नीड एंड दिस ईयर इट्स रिलीजिंग सो होपिंग फॉर द बेस्ट। आप जब खुद भी यू नो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन भी तो रहते हैं, कितना मजा आता है लेकिन उस चीज करने में? मजा नहीं आता है। ये तो मैंने वो गलती से घातक का गाना कर लिया था, मारा रे, तब से मेरे को मार ही रहे होंगे कि छोटा छोटा छोटा। हाँ एक मतलब पता नहीं, ऑडियंस बहुत लाइक करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे मैंने बहुत सारी फिल्मों में एक्ट किया था, एबीसीडी में किया था, फिर साउथ में किया था, फिर इंग्लिश फिल्म में की, तो एक उनको ऐसा इनोसेंट सा कोई लगता है कि जो डांस कर रहा है प्यारा सा, तो दे लव यूनिक स्टाइल ही हैज व्हिच पीपल कैन रिलेट टू, करेक्ट, वो वेरी यूनिक वे ऑफ लाइक तो मनोज आया और बोला कि गाना करना है, बोला कर दूंगा, बोला फिर गाने में डांस भी करना है, बोला कर दूंगा, फिर और क्या करना है, बोला जो भी कर दूंगा, करना तो है दोस्त है और करना है दिल से, तो सब कुछ करना है, हाफ हार्टेड क्या करना है, तो जस्ट कर रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है। आपको सच बताऊँ क्या है ना, मैंने अपने लाइफ के 35 ईयर्स में कोरियोग्राफी में मैंने खुद लिपसिंग गाया नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या है वर्ड्स होते हैं, मैं अपने फीलिंग के साथ करता हूँ, तो बहुत टफ है उसको सिंग को मैच करते हुए करना, आर्टिस्ट लोग सही करते हैं। And why she's possessed, I can't tell you because the whole script will get spoiled. But it's a beautiful script. I was looking forward to do a horror, but then I got to do a horror comedy. Like Stree, मेरे को बहुत पसंद आई थी, बुलबुलैया भी बहुत पसंद थी, something of that genre and उस type की film है, but थोड़ी सी script हटकर है, संजना protagonist है and multi ensemble film है, so काफी अलग unique concept है, which you'll see the film then you'll understand what Khalli Balli is all about. But Khalli Balli संजना के इधर गिधर ही हो रही है। आज के गाने के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसा सिचुएशनल है या इट्स अ प्रमोशनल सॉन्ग क्या? ये बेसिकली मनोज दो बार यूज करेगा मुझे लगता है फिल्म में, एक तो एक्चुअल भी करेगा और एंड में भी यूज करेगा। इट्स अ टाइटल ट्रैक सो खली बली खली बली टाइटल है और मनोज को मैंने कहा था कि भैया ये गाना, वैसे मैंने जब किया था रणवीर के साथ मेरे को बहुत पसंद था और मैं कर रहा था, तो मैं डेफिनेटली वही स्टेप रखूंगा खली बली, सिर्फ उसमें एक छोटा सा म्यूजिक इन्होंने ऐड किया, खली बली टाटा हाई स्पीड में टाटा, तो ऐसा कुछ है और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छा काम करूँ, इस टाइम भी अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आएगा। अभी लास्ट मेरी फिल्म गुड न्यूज़ अच्छी गई, तानाजी अच्छी गई, अभी आने वाली सूर्यवंशी है, फिर लक्ष्मी बॉम्ब है, फिर कुली है, भूज है, तो दैट्स बिग मूवी एंड वन इज भीमा बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो अर्जुन है, बड़ी बड़ी फिल्में कोशिश कर रहा हूँ। होली के मैं इधर नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ कोचिन फॉर तब तेलुगु फिल्म मल्लू अर्जुन की फिल्म है उसके लिए, बस दैट्स ऑल। जैसे कि हम सभी ने देखा कि फिल्म का ट्रेलर सूर्यवंशी का ट्रेलर आ चुका है एंड लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मुझे पहले से पता था ना ये बात, मैं तो उसका एक पार्ट हूँ, जब हम गाना कर रहे थे, अभी जो गाना 2-3 दिन के बाद आएगा लॉन्च होगा,
जिसमें अक्षय अजय और रणवीर तीनों, आप वो गाना देखिए आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, तीनों को डांस कर। हाँ टिप टिप वो फराह खान ने किया है, मैंने ये शंकरा गाना ठीक ठाक था। हाँ बस वो बस उनके साथ मैंने बहुत सारी सिंघम की थी, मैंने ताना जी की, गोलमाल की, अभी भूज फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनको किस तरह से उनको कंफर्टेबल करना है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था जैसा देश वैसा भेज, तो जैसा आर्टिस्ट वैसा करा लेता हूँ। हमेशा हर बार एक नया स्टेप लाना, यू डन सो मेनी सॉन्ग, बट ऐसा भी होता है कि भाई ये इससे मिले नहीं, नहीं लगना। नहीं देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं प्रश्न बहुत अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक लिरिक्स राइटर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, ये जब एक गाना बनाते तो पूरे गाने को एक सर्कल में बांधते, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लेके आता है, डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स धुन बनती है, तो वो सब पूरे सर्कल में डांस स्टेप भी छुपा होता है। तो मैं कोरियोग्राफर ऐसा हूँ कि मैं उसके अंदर जाके वो स्टेप बाहर निकालता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, गाने के अंदर सब छुपाया हुआ। अगर आप सच्चाई से गौर से उनकी मेहनत देखोगे तो आपको उसके अंदर स्टेप भी मिलेगा, बहुत ही क्लियर है। The best part was we shared the screen space together for the first time. I'm so happy that we were like dancing together. What better can happen? नहीं बहुत अच्छा, कायनात की तबीयत भी ठीक नहीं थी रिहर्सल के लिए, बट लेकिन फिर भी कर रही है एंड दैट्स गुड, बहुत अच्छा कर रही है और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा गाना। क्योंकि होली भी आ रही है, सो होली में होली के तो ऐसे स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं गणेश जी एंड कायनात जी? एंड आई एम नॉट हियर, ओनली ऑर्गेनिक होली फॉर मी एंड फॉर एवरीवन, इन फैक्ट जस्ट बी सेफ, कितना वायरस फैला हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, एंड जस्ट बी होम, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड जस्ट डू प्रेयर्स एंड बी हैप्पी, हैव स्वीट्स। हमारा हिंदुस्तान बहुत ब्लेस है, हमारा इंडिया बहुत ब्लेस है, द टेंपरेचर, यस एवरीथिंग, मतलब ब्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आती है लेकिन बहुत ही आसानी से साफ हो जाती, तो इंडिया इज़ द बेस्ट। चलिए एक होली की विश आपकी तरफ से। ओके हेलो, मैं हूँ गणेश आचार्य, नमस्कार, मैं हूँ गणेश आचार्य और आपको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, प्लीज़ सेफ होली, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूँ कायनात अरोरा, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बी सेफ, प्ले सेफ, होली हैप्पी होली। और कुछ नहीं, ऐसी और मजेदार और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन, हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।